हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज सीबीडीटी ने प्रेस रिलीज इशू करी है जिससे उन्हें कुछ टैक्स एग्जेम्पशंस लेकर आए हैं एंड इनकम टैक्स में जो डेडलाइंस है उनको भी एक्सटेंड करी गई है। तो मैंने आप लोगों के लिए नोट्स बनाए हैं प्रेस रिलीज का, जिससे मैं आपको आसानी से समझा सकूं कि क्या एग्जेम्पशन आया है एंड क्या एक्सटेंशन हुई है। तो जो टैक्स एग्जेम्पशन पहले अपन देख लेते हैं कि टैक्स एग्जेम्पशंस कौन कौन सी आई हैं। तो उन्हें दो प्रकार की टैक्स एग्जेम्पशन लेकर आए हैं COVID-19 से रिलेटेड। एक एग्जेम्पशन वो है जो टैक्स पेयर्स हैं जिनने रिसीव करे हैं पैसे अपने एम्प्लॉयर से या अपने फ्रेंड से, वेल विशर से, तो जो पैसा आया है उसको इनकम ट्रीट नहीं करी जाएगी और उसको एग्जेम्पशन प्रोवाइड की जाएगी। और जो फाइनेंशियल ईयर 1920 है उसमें आपको मिला हो, टैक्स पेयर को पैसा मिला हो, या सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर, तो COVID-19 के ट्रीटमेंट से रिलेटेड टैक्स पेयर को अपने एम्प्लॉयर से या अपने वेलविशर से, फ्रेंड से जो भी पैसा मिला है वो एग्जेम्पशन की कैटेगरी में फॉल होगा। वैसे ही दूसरी जो एग्जेम्पशन है वो उन पर्संस के लिए, उन टैक्स पेयर्स के लिए जिनने अपनी लाइफ गवा दी ड्यू टू COVID-19। तो जो पैसा उनको एम्प्लॉयर से मिला है, उनकी फैमिली में, फैमिली को मिला है क्योंकि वो अर्निंग मेंबर थे, टैक्स पेयर अर्निंग मेंबर थे, तो उनकी फैमिली को जो पैसा मिला है एक्स ग्रेशिया पेमेंट जो मिला है फ्रॉम एम्प्लॉयर और फ्रॉम वेल विशर्स, फ्रेंड्स, वो पैसे को भी एग्जेम्पशन ग्रांट की जाएगी। इसमें कंडीशन है, कंडीशन ये है कि अगर एम्प्लॉयर से पैसा मिला है तो वो एग्जेम्प्ट होगा विदाउट एनी लिमिट। मतलब टैक्स पेयर जिसकी लाइफ चली गई है ड्यू टू COVID-19 और उनके फैमिली मेंबर्स को एम्प्लॉयर से पैसे मिले हैं एक्स ग्रेशिया पेमेंट, उसको एग्जेम्पशन मिलेगी विदाउट एनी लिमिट। बट उस टैक्स पेयर के फैमिली मेंबर्स को अगर अदर देन एम्प्लॉयर, अदर पर्सन से, फ्रेंड से या वेल विशर से पैसे मिले हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस मिली है, तो उसको एग्जेम्पशन की कैटेगरी में डालेंगे। बट उसमें लिमिट बताई गई है 10 लाख, 10 लाख तक वो पैसा एग्जेम्प्ट होगा। तो अभी आपने देखा था कि ये जो सेकेंड वेव आई है COVID-19 की, उसमें काफी लोग इफेक्ट हुए हैं, काफी लोगों की जान गई है और हॉस्पिटल के इतना ट्रीटमेंट के पैसे लगे हैं, तो काफी फैमिली मेंबर्स ने एक दूसरे को हेल्प करी है, फ्रेंड्स ने हेल्प करी है, एम्प्लॉयर्स ने हेल्प करी है। तो जो पैसा रिसीव हुआ है, इनकम टैक्स में जब असेसमेंट होता है तो वो तो बैंक स्टेटमेंट के क्रेडिट्स को देखते हैं कि आपको कहां से पैसे मिले। अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए दैट विल बी टर्म्ड एज अनएक्सप्लेन्ड इनकम। तो उसको ध्यान रखते हुए इनकम टैक्स ने थ्रू प्रेस रिलीज ये बताया है कि फाइनेंशियल ईयर 1920 ऑनवर्ड्स, जब तक ये COVID-19 चल रहा है, अगर टैक्स पेयर को पैसे मिले हैं फॉर दी ट्रीटमेंट और because they have lost their life, so then the money is received from the family members, तो वो जो पैसा मिला है उसको exemption provide की जाएगी। ये तो है tax benefit। इसके बाद extension of timelines भी आई है काफी। तो first जो exemption extension आई है वो है जो DRP एंड असेसिंग ऑफिसर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल को ऑब्जेक्शन फाइल करनी थी अंडर सेक्शन 144C, उसकी जो लास्ट डेट थी वो 1 जून 2021 और देयर आफ्टर थी, उसको आगे बढ़ा के 31 अगस्त कर दिए है। मतलब अब आप ऑब्जेक्शन 31 अगस्त के पहले फाइल कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ड्यू डेट थी वो थी TDS की फॉर Q4 फाइनेंशियल ईयर 2021, उसकी जो लास्ट डेट थी वो 30 जून थी। अब उस डेट को आगे बढ़ा के 15 जुलाई कर दी गई है। मतलब आप 15 जुलाई तक Q4 की TDS रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अब उनने जब TDS रिटर्न की डेट आगे बढ़ाई है तो उनको जो सर्टिफिकेट इशू करना पड़ता है एम्प्लॉयर्स को, फॉर्म 16, उसकी डेट भी आगे बढ़ा दी गई है, वो 31 जुलाई कर दी है।
तो 31 जुलाई तक जो इम्प्लॉयर्स हैं वो फॉर्म 16 इशू कर सकते हैं। नेक्स्ट जो डेट आगे बढ़ाई है वो है फॉर्म 64D। ये फॉर्म इन्वेस्टमेंट फंड को सबमिट करना रहता है। ये जो फॉर्म है इसमें स्टेटमेंट ऑफ इनकम पेड और क्रेडिटेड टू इट्स यूनिट होल्डर की इंफॉर्मेशन फर्निश करनी रहती है, तो इसकी भी डेट एक्सटेंड करके 15 जुलाई कर दी है। तो फॉर्म 64D 15 जुलाई तक आप फर्निश कर सकते हैं जिनको भी ये फॉर्म फर्निश करना है। तो जब फॉर्म 64D की उनने डेट आगे बढ़ाई तो फॉर्म 64C भी इसी से ही लिंक्ड है। इन्वेस्टमेंट फंड यूनिट को ही ये फॉर्म भी फर्निश करना रहता है। इसकी डेट 31 जुलाई कर दी गई है। नेक्स्ट जो डेट एक्सटेंड करी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन के लिए करी है। 30 जून तक उनको एप्लीकेशन फाइल करनी थी फॉर्म 10 और 10AB में। किनको? जो ट्रस्ट अंडर सेक्शन 1023C में फॉल करते हैं, 12AB में करते हैं, 35(1)(2), 35(1)(2A)(3), 80G, इन सबको एप्लीकेशन फाइल करनी थी फॉर रजिस्ट्रेशन, फॉर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, इंटीमेशन, अप्रूवल। ये सबकी जो डेट थी वो 30 जून थी। और अभी इनकम नया इनकम टैक्स पोर्टल में ये फॉर्म अवेलेबल भी नहीं थे, तो काफी दिक्कत जा रही थी। तो इसकी डेट भी एक्सटेंड करके 31 अगस्त कर दी गई है। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सटेंशन आया है वो आया है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। जो टैक्स पेयर्स को एग्जेम्पशन क्लेम करनी है 54 से लेके 54GB, इनमें से कोई भी एग्जेम्पशन मींस कैपिटल गेन को बचाने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना था, वो आपको रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले करना रहता है। इन्वेस्टमेंट या आपको डिपॉजिट करना रहता है कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में, या आपको पेमेंट करना है कोई सा, एक्वायर करना है कोई प्रॉपर्टी या कैपिटल एसेट, तो इन सब की जो डेट है वो अगर 1 अप्रैल 2021 से 29 सितंबर 2021 के बीच में फॉल कर रही है, तो अब आप ये इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट 30 सितंबर से पहले कर सकते हैं। तो 30 सितंबर तक का टाइम दिया है फॉर इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट फॉर क्लेमिंग एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 to 54GB। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सटेंशन आया है वो आया है फॉर्म 15CC। ये एक क्वार्टरली स्टेटमेंट है और ऑथराइज डीलर को फर्निश करना रहता है क्वार्टर वन का। तो उसकी डेट आगे बढ़ाई है, 31 जुलाई कर दी गई है। इसके बाद नेक्स्ट जो एक्सटेंशन आया वो इक्वलाइजेशन लेवी स्टेटमेंट से रिलेटेड आया, जो फॉर्म वन में जाता है फाइनेंशियल ईयर 2021 का। उसकी डेट भी आगे बढ़ा के 31 जुलाई तक कर दिए। 31 जुलाई तक आप फॉर्म वन फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सटेंशन आया है फॉर्म नंबर 3CEK। ये एक एनुअल स्टेटमेंट है जो कि फर्निश करना रहता है इन्वेस्टमेंट फंड को। जो एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड है उनको फर्निश करना रहता है अंडर सेक्शन 9A सबसेक्शन 5। उसकी डेट, इस फॉर्म की डेट आगे बढ़ा दी गई है, 31 जुलाई कर दी गई है। 31 जुलाई तक आप एनुअल स्टेटमेंट फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर्म 15GNH, जो कि जून 30 जून के अंदर अंदर आपको अपलोड करना रहता है डिक्लेरेशन। उसकी डेट अब आगे बढ़ा दिए, 31 अगस्त तक कर दिए। मतलब अब आप ये फॉर्म 15G 15H 31 अगस्त तक फाइल आप अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो एक्सटेंशन है वो है एक्सरसाइजिंग से रिलेटेड। जो पेंडिंग एप्लीकेशंस हैं किसके पास? इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन के पास, और उसको विड्रॉ करना है। तो विड्रॉ करने की जो डेट है वो आगे बढ़ा दी गई है, 31 जुलाई कर दी गई है। ये जो एप्लीकेशन है ये इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन के पास एप्लीकेशन फाइल होती है, वो फॉर्म नंबर 35BB में फाइल होती है अंडर सेक्शन 245M सबसेक्शन 1। तो इसको विड्रॉ करने का जो टाइम है वो आगे बढ़ा दिया है, 31 जुलाई कर दी गई है। इसके अलावा जो आधार एंड पैन लिंकिंग डेट है उसको भी आगे बढ़ा के 31 सितंबर तक कर दी है। अगर आपका आधार एंड पैन लिंक नहीं है तो अब आप 30 सितंबर से पहले पहले कर सकते हैं। इसके बाद जो विवाद से विश्वास की में पेमेंट करना है आपको,
टैक्स अमाउंट का, उसकी डेट भी आगे बढ़ा दी गई है, 31 अक्टूबर 2021 कर दी गई है। नेक्स्ट जो एक्सटेंशन है वो है टाइम लिमिट फॉर पासिंग असेसमेंट ऑर्डर्स, पेनल्टी ऑर्डर्स। तो जो असेसिंग ऑफिसर्स को असेसमेंट ऑर्डर पास करना है, पेनल्टी ऑर्डर पास करना है, या रिटर्न प्रोसेस करना है ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी का, तो उन सब की जो डेट है वो 30 सितंबर कर दी है। मतलब अब जो असेसमेंट ऑर्डर की ड्यू डेट 30 जून तक की थी कि उनको टाइम बार हो रहे थे केस और उनको ऑर्डर पास करनी थी 30 जून तक, उसकी डेट आगे बढ़ा के 30 सितंबर कर दी गई है 2021। तो ये आज के प्रेस रिलीज में इतनी डेट का एक्सटेंशन आया है। इस प्रेस रिलीज में जो टैक्स एग्जेम्पशंस आई हैं ये काफी अवेटेड थे, क्योंकि बोथ इयर्स फाइनेंशियल ईयर 1920 एंड 2021 दोनों में ही काफी पैसे का आदान प्रदान हुआ है फैमिली फ्रेंड्स में, जिससे हमें लग भी रहा था कि उसमें टैक्स इम्प्लिकेशंस कैसे डील होंगे, बट अब वो क्लियर हो चुके हैं कि वो एग्जेम्प्ट रहेंगे। तो होप कि आपको प्रेस रिलीज समझ आई होगी। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही एजुकेशन वीडियो के लिए, एंड इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।